नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव प्रताप सिंह। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद आ रहा है और इस बीच में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यूपीपीएससी 2016 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना। ये रिजल्ट बहुप्रतीक्षित था, सीबीआई जांच के दायरे में था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसलिए जो है इस रिजल्ट का इंतजार काफी लंबा हो गया। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कि जो लोग सफल हुए हैं उनको यथार्थ एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, मैंने भी ये इंटरव्यू दिया था और मेरे लिए भी काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि मुझे अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है, पर लिस्ट में नाम होना भी अपने आप में कम नहीं है और मुझे नायब तहसीलदार के पद पर चयन मिला है इस 2016 यूपीपीएससी में। यथार्थ एकेडमी से जुड़े हुए कई सारे लोगों का वीडियो नायब तहसीलदार के पदों पर चयन हुआ है, हालांकि टॉप पोस्ट में मेरे जानने में मेरे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कोई नहीं है, पर ये रिजल्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि इसके आधार पर कुछ विश्लेषण हम लोग करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं अपने डिले होने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि बिहार पीसीएस से मेरा चयन हो गया था और मैंने शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा सेवा ज्वाइन कर लिया है और फिलहाल मेरी पोस्टिंग सिवान जिले में है, जो कि मेरे घर से काफी नजदीक है। तो इस वजह से मुझे अप डाउन ही करता हूं मैं, मतलब वहां पे अभी मैंने रहने के लिए व्यवस्था नहीं की है और उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये था कि मुझे वापस यूपी का इंटरव्यू मैंने दिया हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि इसमें चयन भी हो जाएगा। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शादी है फरवरी माह के अंत में, तो इस वजह से उसकी तैयारियों के चलते भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो बहरहाल अब ये सब चीजें सेटल डाउन हो रही हैं धीरे धीरे और फरवरी लास्ट में शादी खत्म होने के बाद से फिर से हम लोग ट्रैक पर आएंगे और काफी सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, मुझे अपने लिए भी और आप लोगों के साथ मिलकर भी, क्योंकि टीम के साथ काम करना हमेशा जो है फायदेमंद होता है। दोस्तों, यूपीपीएससी 2016 के एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने अभी नोटिस की है, बाकी चीजें जो है हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, पहली चीज कि ऑप्शनल को लेकर के लोगों की दुविधा बढ़ेगी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो था सोशल वर्क और हिंदी लिटरेचर था, ऐसे ही हिंदी साहित्य से मुझे हमेशा ही नुकसान होता रहा है, 35-40 नंबर मेरे हमेशा स्केलिंग में डाउन होते रहे हैं। जहां तक सोशल वर्क की बात है तो इसमें कहा जाता है कि स्केलिंग में फायदा मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिला भी है, पर मुझे कभी इसका फायदा विशेष रूप से नहीं मिला। मुझे रॉ मार्क्स जितने मिलते रहे हैं, मेरे ओवरऑल मार्क्स किसी में बढ़ के किसी पेपर में घट के, मतलब फर्स्ट पेपर में अगर बढ़ा तो सेकंड पेपर उतना ही कम हो जाता था और लगभग जितना मुझे रॉ मार्क्स मिलता था मुझे उतने ही मार्क्स मिलते हैं, 250 प्लस इसके आसपास ही रहता है स्कोर, क्योंकि स्केलिंग से जिन लोगों को फायदा मिलता है उनके 280 तक 280-290 तक मार्क्स आसानी से आ जाते हैं जिनको भी स्केलिंग में फायदा मिलता है, और सोशल वर्क में ये चीज मिलता रहा है। जहां तक हिंदी साहित्य की बात है तो बहुत सारे लोगों को दुविधा है, बहुत सारे लोग यूपीएससी देते हैं जहां पे हिंदी साहित्य काफी अच्छा स्कोर करता है तो वो लोग रख सकते हैं, पर हिंदी साहित्य में अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो अगर आप एवरेज मार्क्स पाएंगे स्केलिंग में फिर उसमें नुकसान हो जाता है। जहां तक सोशल वर्क की बात है तो सोशल वर्क अभी भी अच्छा सब्जेक्ट है और आगे भी बना रहेगा 18 में भी। एक चीज जो मैंने गौर की है कि यूपीपीएससी 2016 में इंग्लिश मीडियम वालों का दबदबा रहा है और इंग्लिश मीडियम से जो लोग भी हैं उनके सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं और अच्छे पदों पर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम वाले सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हिंदी माध्यम वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, पर अगर औसत देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों का औसत बढ़ा है और जिसके कि 2018 में भी और बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि अब 2018 का पैटर्न भी काफी चेंज हो गया है। इसलिए जो लोग बाइलिंगुअल हैं वो इंग्लिश मीडियम के बारे में सोच सकते हैं। मैं खुद जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकता हूँ, देता रहा हूँ। यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम में देता था, यूपी बेसिकली मैं हिंदी मीडियम में देता रहा हूँ। 16 का भी मैंने हिंदी मीडियम से ही दिया है, पेपर मेरा अच्छा हुआ था और जीएस में मेरा स्कोर 300
दस के आसपास रहे थे 2016 में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपीपीएससी का एग्जाम दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है, और खास तौर से ऊपर के टॉप 3, 4, 5 जो पोस्ट हैं उनमें एंट्री पाना काफी कठिन है। तो इसलिए आपको अपनी रणनीतियां उसी हिसाब से बनानी होंगी, मेहनत का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरे पेपर काफी अच्छे हुए थे और अगर मुझे हर बार की तरह से औसत मार्क्स भी मिलते तो जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स होने की वजह से मुझे और अच्छा पद मिल सकता था, पर कहीं ना कहीं कमी रही है और वो चीज तो फाइनल होगी, मार्कशीट आने के बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे। और मार्कशीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कई सारे लोगों का, कि कैसे किसमें कितना परफॉर्म हुआ है, स्केलिंग का क्या फैक्टर रहा है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो कि 2018 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 2017 का एग्जाम तो बीत गया है। दोस्तों 2017 भी मैंने दिया हुआ है और मुख्य परीक्षा में मेरा ऑप्शनल मैंने हिंदी लिटरेचर छोड़ दिया, डिफेंस और सोशल वर्क से दिया है। 18 के लिए अभी डिफेंस और सोशल वर्क दो ऑप्शनल हैं, दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है, मैं भी सोच रहा हूं अभी, और सोशल वर्क और डिफेंस दोनों ही अच्छे रहेंगे इस लिहाज से। तो दोस्तों आइए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग जो टॉपर्स हैं उनके बारे में। तो इस बार की टॉपर जो है वो महिला कैंडिडेट है, इस बार की टॉपर जो है वो जयजीत कौर होरा है, जो कि फीमेल कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट ने इस बार टॉप किया है, बहुत बहुत बधाई इनको। विनोद कुमार पांडे सेकंड रैंक पे हैं, नवदीप शुक्ला थर्ड पे हैं। खैर तो ये टॉप 3 लोग हैं दोस्तों, कुल 633 लोग सेलेक्ट हुए हैं और उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की है और आप लोग भी जो लोग जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से नोटिस करेंगे, कि इसमें पहले से चयनित लोग, जो पहले से किसी न किसी पद पे चयनित हैं, उनकी संख्या काफी है और काफी सारे लोग जो मेरे जानने में हैं, जो ऑलरेडी मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे या CTO थे या नायब तहसीलदार थे, तो इस तरह के काफी सारे लोग हैं जिनका चयन हुआ है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से सेलेक्टेड थे। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति इसमें ज्यादा दिखी है। वैसे भी 2000 लोग जब इंटरव्यू के लिए 1900 कुछ लोग थे, जिसमें से 600 लोग से ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं पहले से जॉब कर रहे थे, ये चीज काफी ज्यादा देखने को मिली है। एनीवे दोस्तों हम लोग जल्दी ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।